हेलो फ्रेंड्स, हम रुद्र के लास्ट पार्ट यानी पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन आज देखेंगे। एपिसोड स्टार्ट होता है एक डकैती से, जिसमें हैरी, जेके और सारा नाम के तीन चोर जतिन और उसकी वाइफ अस्मागी को डरा धमकाकर उनसे हीरों के बारे में पूछते हैं। जतिन बताता है कि उसने हीरे कोरियर कर दिए हैं, पर जेके उसकी वाइफ की जीव काटकर उसे दे देता है और कहता है, अगर 2 घंटे में मुझे हीरे नहीं मिले तो तुम्हें इसकी डेड बॉडी मिलेगी। देन जतिन भागता हुआ पुलिस हेडक्वार्टर डीसीपी गौतम से मिलने जाता है, पर वहाँ गौतम के ना होने की वजह से डीसीपी रुद्र मिलता है और वो उसे अस्मागी की जुबान दिखाता है और सारी बात बताता है और कहता है कि मेरे कहने पर अस्मागी ने हीरे निगल लिए थे और वो उसके पेट में है, वो उसे नहीं मिल सकते। तब तक वहाँ गौतम आ जाता है। दीपाली गौतम को गोपाल का फोटो दिखाती है और कहती है, जतिन को हीरे अरेंज इसी ने कराए थे, तुम इसे जानते हो? तो गौतम बताता है, हाँ मेरा मुखबिर है ये, हवाला का पैसा इधर उधर करता है, पर आज तक कुछ बड़ा क्राइम नहीं किया। दीपाली कहती है, अब किया है। गौतम ये कहकर निकल जाता है कि मैं पता करता हूँ। इधर रुद्र दीपाली को बताता है, हमारे पास एक दूसरे केस के एविडेंस में जो हीरे मिले थे वो रखे हैं, हम उनका यूज करके इन लोगों को पकड़ सकते हैं। तब तक पुलिस वालों को उन लोगों के नाम नहीं पता थे। फिर जतिन उन हीरो को लेकर मॉल में जाता है, जहाँ हैरी और सारा वो हीरे लेने आए थे। फील्डिंग पहले से लगी हुई थी। जब सारा और हैरी जतिन के रखे पार्सल को उठाते हैं, उसमें हीरे नहीं थे। फिर पुलिस उन दोनों को पकड़ने में लग जाती है, पर हैरी तो बच निकलता है और सारा पकड़ी जाती है। इधर गौतम गोपाल के पास पहुंचकर उस पर गुस्सा करता है और कहता है, मैंने कहा था ना, चोरी का माल ही चुराना है, क्योंकि वो पुलिस के पास कभी नहीं जाते। मतलब कि गौतम को पैसों का लालच है, इसलिए वो ही इससे चोरी करवाता है और अपना कमीशन रखता है। पर अब वो कहता है, मैंने कभी किसी को हार्म करने को नहीं बोला। तब तक वहाँ हैरी का कॉल आता है और वो बताता है, हमें हीरे नहीं मिले और सारा पकड़ी गई है। गौतम उससे कहता है, हीरे मिलेंगे भी नहीं, वो अस्मागी के पेट में है। अगर सब ठीक करना है और बचना है तो जेके के वहाँ पहुँचने से पहले अस्मागी को लेकर निकलो तुम। और हैरी अपने अड्डे की तरफ निकलता है। इधर सारा के मोबाइल पर जेके का कॉल आता है तो रुद्र उससे डील करता है कि मैंने जतिन के हाथों हीरे भिजवाए थे। तो जेके कहता है, मतलब वो हम सबका काट कर गया? रुद्र कहता है, तुम अस्मागी को छोड़ो, मैं हीरे अरेंज करता हूँ, वरना तुम्हारी सारा हमारे पास है ही। फिर रुद्र सारा को इंटेरोगेट करता है और उसे जेके की रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें जेके ने कहा था अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस वजह से सारा भी सब बता देती है कि उनका अड्डा कहाँ है। फिर रुद्र, गौतम और उनकी टीम वहाँ के लिए निकलती है। इधर हैरी अस्मागी को छुड़ाकर कार में बिठाता है और वहाँ से निकलने वाला था कि तब तक जेके आ जाता है। फिर दिखाते हैं रुद्र के वहाँ पहुँचने पर उसे हैरी का कान मिलता है, एक उंगली भी डली हुई थी। वो अस्मागी का पेट फाड़कर हीरे निकल चुके थे। हैरी भी वहीं पर मरा पड़ा हुआ था। गौतम चुपचाप जाकर वहाँ से हैरी का मोबाइल निकालकर खुद रख लेता है। इधर वो दीपाली और रुद्र को कहानी बताने लगता है, ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, पर वो रुद्र से नजरें चुरा रहा था। रुद्र कहता है, सब ठीक है ना गौतम? गौतम हर बार की तरह कहता है, हाँ एकदम, तोड़फोड़, और निकल जाता है। फिर गौतम गोपाल के पास जाकर सब बताता है, जेके तो हैवान है, उसने तेरे भतीजे हैरी को भी मार दिया। फिर गोपाल बताता है, मुझे माफ करना, मैंने जेके को ये भी बता दिया था कि डरने की कोई बात नहीं है, एक पुलिस वाला भी हमारे साथ है। गौतम शॉक्ड होता है। गोपाल कहता है, मैंने नाम नहीं बताया है। फिर गौतम पूछता है कि वो कहाँ मिल सकता है। तब गोपाल बताता है कि जेके पासपोर्ट सिलसिले में शेख से मिलने वाला था, उसे पता होगा कि जेके किस होटल में है। उसके बाद गौतम गोपाल को मार देता है और फिर रोता है कि उसे ये सब करना पड़ रहा है। इधर शैला रुद्र से मिलने उसके ऑफिस आती है और कहती है, अब उनके बीच सब खत्म और वो दूर रहे तो अच्छा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में रुद्र और उसके बीच काफी नजदीकियां बढ़ी थी और अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो राजीव को चीट कर रही है। शैला के जाने के बाद रुद्र गुस्से में लैपटॉप उठाकर कांच में मारता है, जिससे सारे ऑफिस को पता चल जाता है। फिर वो आलिया से मिलता है। आलिया पूछती है, क्यों बुलाया, क्या काम है? बस रुद्र एक ही चीज बोलता है, आई डोंट नो। उसके बाद वो आलिया के सामने अपनी रिंग उतारकर टिप में डाल देता है। आलिया ये देखकर स्माइल करती है। फिर रुद्र उस पासपोर्ट बनाने वाले से मिलने जाता है तो वो बताता है, जेके इस होटल में है, पर अभी गौतम साहब भी पूछने आए थे। रुद्र सोचता है, गौतम इस केस को गोपाल की वजह से पर्सनली ले रहा है, इसलिए वो जेके को मार देगा। तो रुद्र गौतम को कॉल करता है और कहता है, मुझे शेख ने बता दिया है, तुम जो कर रहे हो मत करो, हम मिलकर बात करते हैं, हमारी दोस्ती के नाते आ जा। गौतम हाँ कह देता है।
पर रुद्र फोन रखते ही कहता है कि वो नहीं आएगा। फिर रुद्र होटल पहुंचता है और जेके की रूम की तरफ जाता है, तभी पीछे ही गौतम आ जाता है। रुद्र अंदर जाकर जेके की गन छुड़ाकर उसी को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी गौतम भी आ जाता है और वो हाथों में ग्लव्स पहना हुआ था। रुद्र उसे रोकता है कि वो जेके को ना मारे, पर गौतम सोचता है कि अब रुद्र को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। जेके भी इधर हंसने लगता है और कहता है, ओ अब समझा, तो वो तुम हो। गौतम डर जाता है कि ये और कुछ ना बोल दे और वो जेके को मार देता है। रुद्र कहता है, कोई नहीं गौतम, हम कह देंगे ये काउंटर अटैक में मारा गया। गौतम रुद्र से पूछता है, इसने क्या बताया? रुद्र कहता है, किस बारे में? तब गौतम सोचता है, इसे कुछ नहीं पता। फिर गौतम को गिल्ट वाली फील आ रही थी और वो उसी गिल्ट में बताता है कि उसको पहले से इस चोरी के बारे में पता था। रुद्र पूछता है, क्या तुझे किडनैपिंग के बारे में भी पता था? गौतम मना करता है। तो रुद्र कहता है, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गौतम कहता है, मैं कैसे यकीन करूं? तो रुद्र गौतम को वही गन दे देता है जिसे उसने जेके से छीना था। देन गौतम बिलीव कर ही रहा होता है तभी रूम सर्विस के लिए एक वेटर आती है। गौतम सोचता है ये रुद्र की चाल है, तो गौतम वहां से गोलियां चलाता हुआ निकल जाता है। फिर गौतम शांति में बैठकर खुद को मारने की कोशिश करता है, पर हर किसी में खुद को मारने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो फिर सैला से मिलने जाता है और उसे कहता है कि रुद्र को बुलाए, पर सैला सब खत्म कर चुकी थी इसलिए वो कॉल करने से मना कर देती है। गौतम हाइपर होने लगता है और वो सैला को गन पॉइंट पर ले लेता है, कहता है रुद्र को अभी कॉल करो, बुला उसे और सच बिल्कुल मत बताना। सैला रुद्र को कॉल करती है और कहती है, यहाँ गौतम ने मुझे गन पॉइंट पर लिया है, सेव मी रुद्र। गौतम सैला को वार्न करता है शांत हो जाए, पर सैला बराबर रुद्र से बोलती रहती है और फिर सैला गौतम पर हमला करने के लिए नाइफ उठा लेती है। गौतम उसे भी मार देता है। रुद्र बदावास हड़बड़ी में गाड़ी से घर पहुंचता है। वहां देखता है सैला की डेड बॉडी पड़ी हुई है और सैला राजीव की फोटो फ्रेम भी टूटी पड़ी है। रुद्र को समझते देर नहीं लगती ये पूरा क्राइम सीन रुद्र को फंसाने के लिए सजाया गया है, क्योंकि जेके की गन पर रुद्र के फिंगरप्रिंट थे जो कि गौतम के पास थी, और फिर यहाँ वही चीज टूटी पड़ी थी जो सैला और राजीव से जुड़ी हुई थी, और सभी को पता था इनके बीच कुछ सही नहीं चल रहा। और फिर तभी पुलिस सायरन की आवाज आने लगती है और रुद्र वहां से भाग जाता है। इधर डिपार्टमेंट में सब इस मैटर पर डिस्कस करते हैं कि रुद्र ने सैला का मर्डर कर दिया, पर प्रवल उन पर यकीन नहीं करता। गौतम अपने लॉकर में वही हीरे रखने के बाद प्रवल से कहता है, रुद्र को दोस्तों की जरूरत है, इसलिए रुद्र अगर तुमसे कॉन्टेक्ट करे तो तुम सिर्फ मुझे बताना। रुद्र गौतम को कॉल करके कहता है, तूने सैला का मर्डर किया है, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और फिर सिम तोड़कर आलिया के घर जाता है। वो सारी बात आलिया को बताता है। इधर गौतम अपनी और रुद्र की कॉल रिकॉर्डिंग दीपाली को सुनाता है और कहता है, पता नहीं रुद्र मेरे पीछे क्यों पड़ा है। फिर आचार्य और प्रवल इन्वेस्टिगेशन के लिए शैला के घर जाते हैं। वहाँ प्रवल के पास रुद्र का कॉल आता है और वो प्रवल को कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैंने किया ये? प्रवल मना करता है। रुद्र कहता है, गौतम पर भरोसा मत करना। तभी वहाँ के कटर में एक हवलदार को वही गन मिलती है जिससे सैला का मर्डर हुआ था, मतलब गौतम ने पहले उस गन से मर्डर किया, फिर उस गन को जानबूझकर ऐसे फेंका जिससे वो पुलिस वालों को मिल सके। रुद्र भी कॉल पर था, वो भी सब सुन लेता है। इधर राजीव को जब सैला के बारे में पता चलता है वो दीपाली से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है और रुद्र पर इल्जाम लगाता है। इधर जब आचार्य और प्रवल गन लेकर फॉरेंसिक के लिए जा रहे थे तभी आलिया और रुद्र रास्ते में उन्हें रोक लेते हैं और वहां से गन लेकर चले जाते हैं। देन रुद्र उसे डिसेंबल करके समुद्र में फेंक देता है। फिर गौतम और रुद्र की फिर से कॉल पर बात होती है जहां उनके मिलने की जगह और टाइम डिसाइड होता है। फिर आलिया राजीव को पकड़कर रुद्र के पास लाती है और रुद्र उसे सारी कहानी बताता है। राजीव उस पर बिलीव कर लेता है और फिर उसके प्लान पर काम करता है। नेक्स्ट डे जब पुलिस की टीम और गौतम रुद्र से मिलने निकलने वाले थे उससे ठीक पहले राजीव वहां पहुंचता है, तो दीपाली कहती है, तुम वेट करो मैं आकर बात करती हूं। आचार्य कहते हैं, चलो हम बात करते हैं। इधर रुद्र और गौतम मिलते हैं, पर रुद्र को पता था यहाँ स्नाइपर लगे हुए हैं और गौतम की साइड में माइक लगा हुआ था, इसलिए रुद्र वहीं से दीपाली से बोलता है कि क्या बॉस, मेरे टेक्निक मुझ पर ही? फिर वो गौतम से कहता है, पता है तुझे मैंने क्यों बुलाया? फिर रुद्र उसके कान के पास जाकर बोलता है, तुझे तेरे लॉकर से दूर लाने। गौतम ये सुनकर बहुत हाइपर होने लगता है। फिर गौतम उसके कान के पास जाकर कहता है, सैला मरने से पहले तेरा नाम लेकर चीख रही थी। दोनों कान के पास जाकर इसलिए कह रहे थे जिससे दीपाली को कुछ सुनाई ना दे, पर गौतम की ये लाइन कहते ही रुद्र को गुस्सा आता है और वो गौतम का गला पकड़ लेता है। ये देखते ही दीपाली स्नाइपर्स को शूट करने की ऑर्डर देती है, पर प्रवल उसे हल्का सा धक्का दे देता है जिससे निशाना चूक जाता है और गलत शॉट लगते ही रुद्र को भी भागने का मौका मिल जाता है।
इधर प्रवल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। रुद्र भागकर गाड़ी में बैठता है जिसे आलिया ड्राइव कर रही थी। गौतम भी दीपाली के साथ गाड़ी में पुलिस स्टेशन जा रहा था, पर वो बहुत पैनिक हो रहा था। दीपाली ये देखकर थोड़ा शॉक्ड थी। इधर राजीव के टॉयलेट के बहाने लॉकर रूम में जाकर गौतम के लॉकर से हीरे चुरा लेता है, जिस लॉकर के सारे पासवर्ड पहले ही रुद्र ने बता दिए थे। फिर जब राजीव वहां से निकलने वाला था तभी गौतम वहां आ जाता है, पर वो जब लॉकर चेक करता है तो हीरे गायब थे। गौतम समझ जाता है कि राजीव ने हीरे चुराए हैं। इधर राजीव गौतम के डर से आचार्य से कहता है, रुद्र मुझे मार सकता है, क्या आप मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ देंगे और मेरी सिक्योरिटी का इंतजाम कर दीजिए। आचार्य राजीव को कार तक छोड़ते हैं और गौतम राजीव के नंबर को ट्रेसिंग पर लगा देता है, जिससे जहां राजीव जा रहा है उसे पता चल सके। इधर आचार्य प्रवल से इंक्वायरी करते हैं और गौतम राजीव के पीछे निकल जाता है। फिर गौतम राजीव की लोकेशन पर पहुंचता है और प्रवल भी आचार्य को सब बता देता है। आचार्य दीपाली से कहते हैं कि ये सब गौतम ने किया है, हमें उसे रोकना होगा। इधर रुद्र गौतम से पूछता है, मैंने तुझे सबसे अच्छा दोस्त माना था, क्यों किया तूने ये, क्यों मारा सैला को? गौतम कहता है, तुझे क्या लगता है, मुझे इसका अफसोस नहीं है। मैं हर वक्त खुद से यही सवाल करता हूँ, क्यों गया मैं उस रात वहाँ? ना मैं उसके पास जाता, ना मुझसे उसका खून होता। तू मुझे मार दे रुद्र। पर रुद्र अपनी जेब से रिकॉर्डर निकालकर गौतम को दिखाता है और कहता है, तुझे मारना काफी नहीं है, तू हर रोज जेल में मरेगा। रुद्र जाने लगता है तो गौतम कहता है, तुझे मेरे और शैला के बारे में कुछ पता है? वो हर रोज मेरे साथ सोती थी और फिर बाद में रोती थी। गौतम जानबूझकर रुद्र को उकसा रहा था जिससे रुद्र उसे मार दे, क्योंकि उसे अपनी जान से ज्यादा प्यारी उसकी इज्जत थी। पर रुद्र फिर भी उसे नहीं मारता, लेकिन गौतम गुस्से में उसकी पीठ पर पीछे से चाकू मारता है जिससे रुद्र घायल हो जाता है। पर तभी वहां पड़ी शॉटगन आलिया उठा लेती है जो गौतम अपने साथ लाया था और गौतम पर तान देती है। गौतम कहता है, हाँ मार दो मुझे। रुद्र मना करता है। आलिया कहती है, ये तो 50-50 हो गया, एक वोट और चाहिए। और वो राजीव से पूछती है। राजीव के हाँ कहते ही आलिया गौतम को शॉटगन से उड़ा देती है। गौतम को मरते वक्त रुद्र आखिरी बार सिगरेट पिलाता है। तब तक वहाँ पुलिस फोर्स आ जाती है, पर कोई भी वहां से भागा नहीं था। इनफैक्ट आलिया ने तो शॉटगन भी हाथ में पकड़ रखी थी। और रुद्र का फर्स्ट सीजन यहीं खत्म हो जाता है। फिक्स है सेकंड सीजन तो जरूर आएगा, बस देखते हैं इसके लिए हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा। रुकिए जरा, जाने से पहले सब्सक्राइब तो कर दो, जिससे और भी ऐसे एक्सप्लेनेशन के सजेशन तुम्हारे यूट्यूब होम पर शो हो जाएंगे। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।